हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एएसके बाय आफरीन। यस, तो ये जो आज का ब्लॉग है ये रमज़ान के फर्स्ट डे का फर्स्ट इफ्तारी का ब्लॉग है, जिसमें मैंने थोड़ा सा सहरी का पार्ट भी ऐड किया है और उससे पहले मैं जो रमज़ान के लिए ग्रोसरी शॉपिंग के लिए गई थी वो चीज़ें भी मैंने ऐड की है, ताकि आप लोग भी देखें कि मैंने कैसे किए सारी चीज़ें। ठीक है, रही बात की अभी रमज़ान का पहला दिन तो आके चला गया है, तो मैं ये वीडियो अभी इसलिए डाल रही हूँ क्योंकि ये मेरी गलती है, मेरी किसी ना किसी वजह से डिले की वजह से ये लेट हो गया आने में, क्योंकि अंडमान का जो ब्लॉग था वो ही आ रहा था, तो इसलिए मैंने इसे थोड़े बीच में डाल दिया है। तो देखिए मैं कैसे किस तरीके से घर फटाफट साफ करके जाती हूँ शॉपिंग करने के लिए, और शॉपिंग करके आती हूँ और मेरा नेक्स्ट डे स्टार्ट होता है सहरे से। देखिए आप लोग, घर साफ करना है, फ्रिज साफ करना है, किचन साफ करना है, ग्रोसरी लिस्ट बनानी, शॉपिंग करने जाना है क्योंकि गर्मी इतनी है। आज मैं गई तो गई, उसके बाद तो मैं बाहर जाने से नहीं। हेलो, गुड आफ्टरनून, वेलकम अगेन। इस भरी जलती दोपहरी में मैं जा रही हूँ बाहर, बिल्कुल सही। तो धूप है बहुत तेज, दिखाती हूँ मैं बाहर जाकर, और हम देखेंगे आज का टेम्परेचर भी, आज कितना टेम्परेचर है। 37, बापरे, बहुत ज़्यादा धूप है। हाँ भैया, बस आ गई। हाँ। 8517। मैंने शॉपिंग की है, राइस लिया है, कुछ कुछ ज़रूरत के सामान, और मैं ये वाला खजूर ले रही हूँ रमज़ान के लिए। नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल एएसके बाय आफरीन। अभी हो रहे मॉर्निंग के 4:30 और मैं उठी हूँ सैरी करने के लिए, और मेरे साथ टोक्यो भी उठा हुआ है एज यू कैन सी। तो सैरी में मेरा ऐसा कुछ कुछ फंडा नहीं रहता है कि मुझे ये चाहिए खाने के लिए, मुझे वो चाहिए खाने के लिए। सिंपल है भाई, अपना मैंने बनाई है ये सिंपल सी चाय, ये रहा मेरा सैरी। ट्रीट खाएगा वो, आज ऊपर आ, ऊपर आ। बज रहे हैं मॉर्निंग के 6:00, मतलब बजने वाले हैं ऑलमोस्ट। मैंने तो सैरी कर लिया था चाय और टोस्ट, और टोक्यो को खिलाया था मैंने ट्रीट एक, और मैंने नमाज़ पढ़ा, थोड़ा कुरान पढ़ा। अभी मैं जाऊंगी थोड़ा सा, थोड़ी देर के लिए सो जाऊंगी, फिर उसके बाद जल्दी उठना है, क्योंकि कैसा रहता है कि अगर आप एक दिन, पहले दिन आप लेज़ी हो गए, लेट 10 या 11 बजे उठने लगे, तो फिर आपका रूटीन सेट हो जाएगा। तो मैं कोशिश करूँगी 8 बजे तक उठने के लिए, 1-2 घंटे की नींद लेके मैं फिर से उठूँगी 8, और उसके बाद तो एज यूजल मुझे काम बहुत रहता है। तो और इस टाइम में ऐसा होता है कि आपका काम और डबल ट्रिपल हो जाता है। तो ठीक है, चलिए मैं मिलती हूँ आपसे, थोड़ी नींद लेके झपकी लेके उठती हूँ, फिर सुबह आपसे। हेलो फ्रेंड्स, सलाम नमस्ते, मैं हूँ आफरीन और ये है मेरा चैनल एएसके बाय आफरीन। और जैसा कि आज है पहला रोज़ा, तो उसकी एक्साइटमेंट तो कुछ ज़्यादा ही है लोगों पे। आज गर्मी है तो खैर क्या हुआ, गर्मी को लड़ते हुए भी हम बहुत जिंदा दिली के साथ रहेंगे पूरा रोज़ा।
इंशाल्लाह। तो ऐसा है कि आज का पहला रोज़ा है और बाहर का टेम्परेचर है पुणे का 37। तो उन लोगों के लिए बहुत ही स्ट्रगलिंग होगा आज का डे जो बाहर जॉब पे है, क्योंकि मैं घर पे रहने के बावजूद मेरा गला इतना ज़्यादा ड्राई हो जा रहा है। बट एनी वेज हम सबके लिए दुआ करेंगे कि अच्छी सेहत के साथ वो लोग अपना रोज़ा इस साल पूरे तरीके से कंप्लीट करे। तो मैं तो फुल रेडी हूँ, सारी तैयारी हो चुकी है, अभी बस पढ़ने बैठूंगी, फिर जोहर की नमाज़, उसके बाद थोड़ा प्रिपरेशन, देन असर। तो ऐसे चलता रहेगा पूरा दिन कंटिन्यूसली, क्योंकि आई डोंट थिंक सो कि सोने के लिए टाइम मिलेगा। मैं 9 o'clock उठी 6 बजे सोने के बावजूद, हो चुकी है रेडी, तो देखते हैं शाम में। फिलहाल मैं अभी जा रही हूँ पढ़ने के लिए, और सबके लिए मैं यही दुआ करूँगी कि आज का दिन सबका बहुत अच्छे से जाए और आने वाला सारा रोज़ा फिर बहुत अच्छे से ही जाएगा। मिलती हूँ मैं। तो आज पहले रोज़े की पहली डिश मैं बना रही हूँ, जो बहुत ही बेसिक है, इसलिए मैं बना रही हूँ, कोई हाई फाई वाला डिश नहीं है ये। ये छत्तीसगढ़ी बेसिक डिश है जिसे बोलते हैं गुलगुला। यस, ये बनता है गेहूँ के आटे से। तो इसके लिए मैंने ये गेहूँ का आटा लिया है, 250 ग्राम है पूरा ये, और इसके साथ में है ये, एक है 1/3 कप सूजी, ये लिया, उससे थोड़ा कम ही है ये, ये ऐड किया। उसके बाद सोडा थोड़ा सा, ये है 1 tablespoon खसखस। ये मैंने इस पे बादाम, काजू, पिस्ता सबको पीस लिया है, बड़े बड़े नहीं किए हैं, क्योंकि ये फ्राई होगा ना तो ये कैसे ज़्यादा लिक्विड आइटम रहेगा और ये बड़े रहेंगे, तो इसको मैंने छोटे छोटे चम्मच जैसे बना लिए हैं, ये डाल लिया मैंने। इसके बाद मैं अब इसमें ऐड करूँगी, ये है मिल्क, तो अब इसमें मैं धीरे धीरे मिल्क ऐड करूँगी। थोड़ा डालूँगी मैंने तकरीबन इस पर 150 ml तक मैंने इस पर मिल्क ऐड किया है। अभी अब मैं इसमें मिल्क ऐड नहीं करूँगी, अभी मैं इसमें ऐड करूँगी पानी। यस, क्योंकि आटे का कैरेक्टर तो आपको पता है, चिपचिपा जल्दी बन जाता है, इसलिए इसमें मैंने थोड़ा सा सूजी ऐड किया है। ठीक है, सब मिक्स होने के बाद हम इस पर शुगर ऐड करेंगे, क्योंकि शुगर भी कैसे फिर जब घुलेगा तो पानी छोड़ेगा, इसलिए पानी कम डालना है हमको। सबसे लास्ट में ऐड करूंगी मैं इलायची का पाउडर, इसको बस फेंटते रहना है आपको अच्छे से, और इसको अभी मैं रख दूंगी, फेंटने के बाद बाहर ही रखूंगी ताकि ये अच्छे से बनेगा। इस बाजू में मैंने राइस रखा है बिरयानी के लिए ये, और इस बाजू में मेरा चिकन मैंने भूंज के रेडी कर लिया है, और अनियन भी फ्राइड है, धनिया पुदीना भी कट गया है। बाकी मैंने बताया आपको मैं गुलगुला बना रही हूँ छत्तीसगढ़ी स्टाइल में, गुलगुला छत्तीसगढ़ी स्टाइल का चना, और बस यही सारी चीज़ें। तो ये गुलगुले मैं छान रही हूँ अभी, क्योंकि काफ़ी लंबे टाइम के बाद गुलगुले बना रही हूँ। अम्मी मेरी इतनी मस्त गुलगुला बनाती है, और बिरयानी तो जैसे मैंने कहा दम पे रखा, और ये भजिए का बैटर भी रेडी है, तो मैंने सब जल्दी कर लिया। मुझे इफ्तारी के टाइम में किसी भी तरीके का हड़बड़ाहटपन नहीं चाहिए था, इसलिए मैं अभी बज रहे हैं 6, इफ्तारी के दरमियान टाइम आते आते शायद मेरा सब अच्छे से हो जाए। बिरयानी, गुलगुला, चना, ब्रेड।
तो जल्दी से हम इफ्तारी करते हैं, उसके बाद मिलते हैं आपसे। आप लोग भी इफ्तारी कीजिए अच्छे से। तो आई होप आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने किस तरीके से सारी चीज़ें की। आई होप पसंद आया होगा आपको मेरे गुलगुला के रेसिपी। थोड़ा मैंने उस पर कुछ न्यू चीज़ें ऐड कर दी थी, जैसे कि ब्राउन शुगर। टू बी ऑनेस्ट, काफ़ी ख़राब बना था, मतलब ख़राब इन द सेंस वैसा ख़राब नहीं बना था, जिस तरीके से गुलगुले को फूलना चाहिए था वैसे नहीं बन पाया था। टेस्ट काफ़ी अच्छा था, बिरयानी भी काफ़ी लाजवाब बनी थी, भजिया भी था, चना भी था, सब अल्हम्दुलिल्लाह था। तो ऐसे मैंने किया था मेरा पहला इफ्तारी सेलिब्रेट। और सबके लिए मैं दुआ करूंगी कि सबकी इफ्तारी और सबके दस्तरखान अल्लाह पाक बहुत अच्छे से बरकत लाए, सबके घर में रिज़्क लेकर आए और सब बहुत अच्छे से अपना ये रमज़ान सेलिब्रेट करें अपनी फैमिली के साथ। और अगर आप लोगों को ये मेरा वीडियो पसंद आया होगा तो मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, कॉमेंट कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर भी कीजिए। और मुझे कमेंट में बताइए मेरा गुलगुला कैसे लग रहा था। और अगर आपके पास गुलगुले की कोई अच्छी किसी के पास रेसिपी होगी तो आप शेयर भी कर सकते हैं, मैं ट्राई करके ज़रूर दिखाना चाहूँगी नेक्स्ट व्लॉग में मेरे। तब तक के लिए अलविदा।